रामलला का भव्य मंदिर बने और उनके पिता राजा दशरथ की समाधि स्थल भव्य ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? इसी के मद्देनजर राजा दशरथ के समाधि स्थल को भव्यता प्रदान करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, अयोध्या में श्री राम मंदिर ही भव्य नहीं बन रहा, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की समाधि स्थल को भी बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर दशरथ समाधि स्थल तक पहुंचने के लिए डबल लेन सड़कें भी बनाई जा रही हैं। पर्यटन विभाग से समय समय पर 2-3 बार में यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। अभी हाल ही में योगी जी के समय में 1,23,54,000 रुपये की स्वीकृत धनराशि संस्थान का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है और यहाँ के विकास के लिए अभी अयोध्या बिल्लोहारी घाट 4 लेन मार्ग का निर्माण हो ही रहा है। समाधि स्थल से अयोध्या आजमगढ़ मार्ग, ये जो आप आए हैं अभी, ये 2 लेन में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ है, ये समाधि बनी हुई है और यहाँ पर महाराज जी की प्रतिमा स्थापित है। बीच में महाराज दशरथ जी हैं, दशरथ जी के बाजू बाएं भरत हैं, दाहिने शत्रुघ्न हैं, पीले वस्त्र में गुरु वशिष्ठ जी हैं। दशरथ समाधि तक पहुंचने के लिए एबी बंधा रोड के रूप में 4 लेन रोड का विकास किया जा रहा है, जो नया घाट से होकर सरयू नदी के किनारे किनारे होते हुए दशरथ समाधि तक जा रही है। और उसके साथ साथ जो दशरथ समाधि का पौराणिक महत्व है, उसके अनुसार उसका जीर्णोद्धार करने का कार्य उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लगातार मतलब प्लान करके और उसको कराया जा रहा है और शीघ्र ही वो नए रूप में लोगों को उपलब्ध होगा। दशरथ समाधि स्थल अपने में कई पौराणिक महत्व भी समेटे है, साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार यहीं पर चक्रवर्ती राजा दशरथ का दाह संस्कार किया गया था। यह वह स्थल है जहाँ पे प्रभु श्री राम के पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। यह सबसे पवित्र भूमि थी जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है। उसमें राम लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे, भरत और शत्रुघ्न जी भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के उन्हें बुलाया गया तो भरत जी के आने के बाद भरत जी ने कहा, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। इसके चलते महाराज गुरु वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य विद्वान शोधकर्ता इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। तब शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, ये बिल्लोहारी घाट है, अयोध्या हमारे सप्तहरियाँ हैं जिसमें से प्रमुख हरी बिल्लोहारी घाट है। यहाँ पे आने के बाद महाराज जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि। हम सब जानते हैं कि जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो पहले चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज जी के दाह संस्कार में केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। एक ऐसा था जहाँ किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई, भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं, कोई बात नहीं, उसके स्थान पर भरत जी ने अपना बायां हाथ प्रतीकात्मक रूप से लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद हमारे सनातन धर्म में कुछ नहीं बचता है, तो उसी स्थल पर अगर वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने का कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी स्थल पर प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल ये बनाई गई है जिनके ऊपर चारों भाइयों की चरण पादुका हैं। जो आप काली काली देख रहे हैं वो पिंड वेदियाँ हैं, जो दाह संस्कार बाद पिंडदान किया जाता है। ये बड़ा सा चरण चिन्ह जो है गुरु वशिष्ठ जी का है। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, ये आदिकाल से ऐसे ही रखे हुए हैं। जब श्रद्धालु धर्मनगरी अयोध्या में आते हैं तो वह दशरथ समाधि स्थल पर जरूर आते हैं। यही वजह है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ दशरथ समाधि स्थल का भी स्वरूप बदला जा रहा है। अब इस जगह का जीर्णोद्धार करने के बाद से ज्यादा संख्या में पर्यटकों के यहाँ पहुँचने की संभावना है। बता दें कि समाधि स्थल पर शनि के प्रभाव को कम करने के लिए पूजा करने वालों की भीड़ लगी रहती है।